वेलकम बैक टू द माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ के बैक नेक की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। एक ही वीडियो में आपको दो तरह की डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक है, इसमें देखिए बैक नेक में हम यहाँ बोट नेक करेंगे ऊपर की साइड में। तो बोट नेक की जो यहाँ पर हमने विड्थ है वो ले रखी, ये 3.5 इंचेस है और यहाँ पर 2 इंचेस हमने इसे गोलाई दी है। फिर 1 इंच स्किप करने के बाद हमने इसे इस तरह से ड्रॉप शेप में बनाया है, बट नीचे से हमने पूरा इसे राउंड में रखा है। यहाँ से ही हमने इसे राउंड ले लिया है, प्रॉपर ड्रॉप शेप ये नहीं है, राउंड शेप में ड्रॉप है। तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम अपर नेक जो है वो भी कट करेंगे इस तरह से। इसी को हम हमारे मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है, इस पर भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ से इसे हम बिल्कुल इक्वली सेंटर से, सिर्फ सेंटर वाले शेप को हम पहले प्रॉपरली मिला लेंगे अच्छे से इस तरह से। हर साइड से बराबर पहले ही मिला कर रख लेंगे। और आपको अगर पिंस यूज़ करनी हो तो आप पिंस को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टिचिंग करूँगी इस तरह से। देखिए हम इसे प्रॉपरली मिला लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाले शेप में स्टिच करेंगे, ये जो हमारा शेप है सेंटर का, उस शेप को हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक साइड में पिन का यूज़ करूँगी ताकि एक साइड से हमारा जो डिज़ाइन है वो मूव ना हो। यहाँ पर देखिए मैंने पिन लगा दिया। स्टिचिंग में इस साइड से स्टार्ट करूँगी। पहले हम सेंटर का ही जो डिज़ाइन है उसे क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम नेक लाइन फ्रंट और बैक की एक साथ क्लियर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये सेंटर की शो करूँगी डिज़ाइनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैक नेक का डिज़ाइन। ब्लाउज़ का पूरा लुक जो है वो मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। ब्लाउज़ की स्लीव डिज़ाइनिंग आपको ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, आप वहाँ से ब्लाउज़ की स्लीव डिज़ाइन, ब्लू ब्लाउज़ की स्लीव डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये इसका बैक नेक का डिज़ाइन है। ये देखिए यहाँ पर हमने नेक को स्टिच कर लिया है, पिन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। और ये वाला जो हमारा फैब्रिक है इसे हम इसी सेंटर के, जो सेंटर में हमने ड्रॉप शेप लिया है वहाँ से हम बैक साइड में टर्न कर देंगे ऐसे, यूँ इस तरह से बैक में हम चारों तरफ से इसे पुल कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये शेप आ गया है। अब हमें यहाँ टॉप स्टिच लगानी है। टॉप स्टिच लगाने के लिए अगेन हम यहाँ टॉप से ही स्टार्ट करेंगे। टॉप का जो कॉर्नर था वहाँ से ही फैब्रिक को हल्का सा खींचते हुए हमें टॉप स्टिच चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे फिनिशिंग आएंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है ये आप देख रहे होंगे अभी अंदर की साइड में मुड़ता जा रहा है, इसे बस आप हल्के हाथों से खींच लें और जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना ऊपर होनी चाहिए ना नीचे होनी चाहिए। और साइड्स में हम यहाँ पर अब इसे इस तरह से टॉप स्टिच चलाएंगे इस तरह से। देखिए फैब्रिक को, जो हमारा मेन फैब्रिक है जो अंदर की साइड घूमा हुआ सा है, उसे हल्का सा पुल करते जाएंगे और टॉप स्टिच चलाते जाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ विदाउट एनी सल बहुत ही अच्छा सा ये शेप बन जाता है। कोई सा भी शेप हो, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप सिर्फ ये जो आपका मेन फैब्रिक है वो ही अंदर के साइड में टर्न होता है, क्योंकि वो थोड़ा लाइट वेटेड होता है अगर तो वो अंदर के साइड में टर्न हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे हल्के हाथों से पुल करके टॉप स्टिच चलाएं तो जो हमारा शेप है वो बहुत ही प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ बन जाता है इस तरह से।
ये देखें, ये हमारे नेक की फिनिशिंग देखिए कितनी ब्यूटीफुली हो गई है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर लेस अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। ये ऊपर वाले नेक की जो ऊपर में बोट नेक बनाया है, इसकी फिनिशिंग हम फ्रंट के साथ ही करेंगे। अभी यहाँ पर हमें एक छोटी सी डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग के लिए इस तरह की हम डोरी ले लेंगे और डोरी के दोनों साइड्स में नॉट लगा देंगे। यहाँ से डोरी हमने कट नहीं की है सेपरेटली, और यहाँ पर आप देखिए डोरी के दोनों साइड्स में हमें यहाँ पर हैंगिंग्स बनानी है। हैंगिंग्स के लिए सेम वही नॉर्मल पैटर्न जो हमेशा यूज़ हो रहा है आजकल काफ़ी ट्रेंड में, इस तरह के फैब्रिक टसल्स। आप चाहें तो और भी ज़्यादा हैवी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल वाला ही बना रही हूँ। इस तरह से ट्रेंगुलर शेप में इसे मोड़ करके हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे ऐसे टर्न कर देंगे। दोनों ही साइड में हमने इसे लगा लिया है टसल्स को, और अब हम यहाँ पर इसे ब्लाउज़ के नेक के सेंटर में जॉइंट कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे हम जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कैसे करेंगे, यहाँ से हम इसे बनाएंगे बो इस तरह से सेंटर पे, और इस बो को हम यहाँ पर टक कर देंगे। डायरेक्ट मशीन की हेल्प से ही हम टक कर देंगे, ये देखिए, जिससे ये लुक ऐसा आएगा जैसा कि हमने इसे यहाँ पर डोरी को लगाया हो टाई करने के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे यहाँ पर टक कर दिया है। अब ये अपर नेक की फिनिशिंग हम फ्रंट नेक के साथ करेंगे। तो ये था हमारा ब्लाउज़ का एक बैक नेक डिज़ाइन। अब सेकंड नेक डिज़ाइन चलिए बताते हैं। तो अब मैं आपको सेकंड डिज़ाइन बताती हूँ नेक लाइन की फिनिशिंग के लिए। ये देखिए, ये मिरर वर्क का है ब्लाउज़। इसमें बॉर्डर में यहाँ पे ये जो बॉर्डर थी काफ़ी चौड़ी थी, हाफ हमने स्लीव में ली है और हाफ हमने बैक पार्ट में ले ली है, और ये इसका लाइनिंग फैब्रिक है। यहाँ पर अपने नेक की विड्थ के अकॉर्डिंगली आप मार्क कर लें विड्थ, और ये जो शेप है वो भी बोट नेक में ही है, तो इसे हम कुछ इस तरह से ले रहे हैं। ये यहाँ से स्ट्रेट आएगा, ये यहाँ तक ऐसा, और देन ये ऐसे राउंड, हल्का सा राउंड शेप लेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। देखिए, ये यहाँ से हम इसे स्ट्रेट ले रहे हैं, और ये हमारे नेक की प्रॉपर लेंथ है, यहाँ तक हमें रेडी रखना है। यहाँ से हम इसे राउंड शेप में ले रहे हैं, और ऊपर की साइड में बोट नेक में रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से ये है हमारे नेक की जो कटिंग है वो। अब इसे कट कर लेते हैं। आप मेन फैब्रिक या लाइनिंग वाले फैब्रिक, किसी भी फैब्रिक पे आप पहले कट कर सकती हैं। मैंने थोड़ा अंदर से लिया है, जो स्टिचिंग है वो मैं इस लाइन पर ही करूंगी, तो ये जो प्रॉपर मेरा पैटर्न है रेडी हो जाएगा परफेक्ट साइज में। अब मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए इसकी कटिंग है कुछ इस तरह से, ये इसका शेप है। अब इसे हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। अच्छे से शोल्डर्स को, आर्म होल को और नेक के विड्थ को सेट कर देंगे। थोड़ा सिल्की फैब्रिक है इसलिए मैं वन साइड में सिर्फ सेंटर पे पिन लगा दूंगी, जिससे कि ये अपने प्लेस पर प्रॉपरली बना रहे। एक साइड में मैंने इसे टक कर दिया जिससे ये प्रॉपर अपने प्लेस पर ही रहे और हिले नहीं, और अदर साइड से हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, बस जो हमारी नेक लाइन है हमें उसी नेक लाइन के थ्रू स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हम ऊपर से पूरी स्टिचिंग ले रहे हैं। लास्ट जो अभी हमने बनाई थी उसमें हमने अपर नेक की स्टिचिंग नहीं ली थी, वो फ्रंट के साथ फिनिश किया है। ये पूरा जो ब्लाउज़ का प्रॉपर लुक है सब आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। मैं पूरा ब्लाउज़ रेडी करके उनका एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी, तो आप पूरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक स्लीव से लेकर नेक डिज़ाइन तक सब आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। जी
तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। ये राउंड शेप था तो यहाँ पर हमने इसे प्रॉपरली राउंड लिया है। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर्स चाहिए तो यहाँ पर हम इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ भी कॉर्नर चाहिए तो हम इसे ऐसे टर्न कर लेंगे और नेक लाइन पे फिनिशिंग देंगे। और अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम कट करेंगे। और अब हम इसे यहाँ से नीचे के बॉटम में हम इसे स्टिच कर लेंगे बॉटम की फिनिशिंग के लिए। अब हम इसे इस जगह से ये जो गैप है दोनों स्टिचेस के बीच में यहाँ से टर्न कर देंगे। इससे हमारा जो वेस्ट है उसकी भी और नेक लाइन की भी दोनों की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। कॉर्नर्स को अच्छे से हम बाहर निकाल लेंगे दोनों साइड के कॉर्नर को इस तरह से। ये देखिए ये हमारी नेकलाइन देखिए ब्यूटीफुली बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर अब हम इसे टॉप स्टिच चलाएंगे जिससे इसकी पूरी फिनिशिंग हो जाएगी। कॉर्नर्स को बहुत ही अच्छे से बाहर निकाली जिससे शेप हमारा प्रॉपर बना रहे, क्योंकि जो कॉर्नर्स हैं उन्हीं की वजह से हमारा शेप प्रॉपरली दिखता है कि हमने क्या शेप कट किया है, क्या शेप बनाया है। अगर कॉर्नर्स नहीं है, राउंड शेप है, तब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि राउंड शेप ऑलरेडी बहुत ही प्रॉपरली ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो सेट हो जाते हैं। बट ये कॉर्नर्स वाले शेप जो हैं इनमें कॉर्नर्स को सेट करना पड़ता है। टॉप स्टिच लेने के बाद देखिए हमारा नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पर हम लगाने वाले हैं डोरी और डोरी में लगाएंगे हम मल्टीपल हैंगिंग्स। मल्टीपल हैंगिंग्स के लिए हमने देखिए इस तरह से ट्रायंगुलर शेप के बहुत ही फिनिशिंग के साथ नहीं लिए हैं। जैसा भी शेप मुझे वेस्ट फैब्रिक में कट हुआ मैंने कट कर लिया है। इसके लिए हम थोड़ा यहाँ से देखिए उल्टा रखेंगे इसे और डोरी को इस तरह से इसमें लगाते हुए यहाँ से ये फोल्ड करेंगे हल्का और सिंपली स्टिच कर देंगे। ये पूरे वेस्ट फैब्रिक जो कटिंग्स में निकलते हैं वेस्ट हो जाते हैं उनके यूज़ के लिए है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक लगा लिया है हमने ऐसे ही। अब थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर देखिए एक इंच की डिस्टेंस मैंने रख ली है। एक इंच डिस्टेंस से ऊपर में हम इसे अगेन एक और लगाकर स्टिच करेंगे। यहाँ पर थ्री हैंगिंग्स लगाएंगे, ये टू हो गई हैं। आप चाहें तो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंगल कॉम्बिनेशन में कर रही हूँ क्योंकि ब्लाउज़ जो है वो हमारा सिंगल कलर में है इसलिए। और यहाँ पर आप फिर अगेन एक इंच की डिस्टेंस पर हम थर्ड लगा देंगे।
ये देखिए इस तरह से हमारी ये हैंगिंग बन जाएगी ब्यूटीफुल सी। और ऐसे दूसरे हैंगिंग बना लेंगे। अब ये डोरी को हमें यहाँ पर ये जो कॉर्नर हमने बनाए यहाँ पर लगाना है। डायरेक्ट मशीन से भी लगा सकते हैं, आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट मशीन से लगा कर दिखा रही हूँ। एक नॉट लगा लें पहले डोरी में इस तरह से, जैसे मैंने नॉट लगाया है। उसके बाद डोरी को बस कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसे रखें सीधी और सिंपली दो तीन स्टिचेस ऐसे ले लें। तो इस तरह से देखिए डोरी अटैच हो जाएगी। दो तीन स्टिच लेंगे तो डोरी हमारी अटैच हो जाएगी। आप चाहें तो इस साइड भी देख सकते हैं। ऐसे रखेंगे कॉर्नर पर और यहाँ पर सिंपली दो तीन स्टिच एक लगातार ही हम ले लेंगे। फैब्रिक को फ्रंट बैक करते हुए इस तरह से, जैसे हम स्टिचेस पक्की करते हैं बिल्कुल उसी तरह से स्टिचेस को पक्की करते हुए दो तीन स्टिचिंग मशीन से ले लेंगे। सेम कलर का थ्रेड अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो स्पॉइल नहीं होती है। दो तीन स्टिचेस आराम से डोरी को पक्की करने के लिए ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप हाथों से भी टक कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पर टाई अप करेंगे तो ये इसका बैक का लुक आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक ही वीडियो में मैंने आपको दो तरह के ब्लाउज बैक नेक की वीडियो आपको प्रोवाइड की है। तो आपको आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।